अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसी अकबाल है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और आज हमारे लखनऊ से ही गायनिक प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। और आइए हम आपसे मिलते हैं, हम आपको मिलवाते हैं अपने परवीन बानो जी से, जिनको गायनिक प्रॉब्लम थी और जिन्होंने हमारे यहाँ AWPL के प्रोडक्ट पे भरोसा करके और हमारी कंपनी AWPL के प्रोडक्ट का यूज़ किया और उसको यूज़ करने पे उनको कितना फ़ायदा हुआ है, ये हम उन्हीं की ज़बानी मालूम करेंगे। तो आइए हम मिलते हैं परवीन बानो जी से। परवीन बानो जी, आपको ये प्रॉब्लम कितने दिनों से थी? 3-4 महीने से थी। 3-4 महीने, तो जाहिर सी बात है 3-4 महीनों में आपने तमाम लोगों का इलाज किया होगा जी। तो क्या बताया था डॉक्टरों ने आपसे? सब डॉक्टरों ने यही बताया था, आप रेशम करने के लिए आप रेशम करवा लो, आप रेशम से सही होगा, इसे इसका कोई इलाज ही नहीं है। अच्छा, तो आपको हमारी कंपनी AWPL के प्रोडक्ट की नॉलेज किसने दी, किसने बताया आपको कि यहाँ के प्रोडक्ट? रिबाना ने बताया। अच्छा, ये आपकी बहन है, छोटी बहन है? छोटी बहन है। अच्छा, तो आपने आपको यहाँ के प्रोडक्ट यूज़ करते हुए कितना वक्त हुआ? 3 महीने। तो 3 महीने में आपको कितना फ़ायदा है? बहुत से फ़ायदा है। बहुत फ़ायदा है, यानी आप इस टाइम अपने आप को एकदम फिट महसूस करती हैं? जी। यानी 100% का आपको 3 महीने में फ़ायदा हुआ है। अब आपको आप कोई दवा वगैरह तो नहीं कर रही? कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। तो हम रिजवाना जी से मालूम करना चाहेंगे कि रिजवाना जी ने अपनी बहन को हमारी कंपनी AWPL के कौन कौन से प्रोडक्ट प्रमोट किए थे? रिजवाना जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। AWPL का जो एक प्रोडक्ट आता है इम्नोडॉम, और एक आता है गैनोडॉम, और एक था पंच तुलसी। ये तीनों हमने जो है यूज़ कराए हैं अपने सिस्टर को, और जो है उनको फ़ायदा भी है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। चलिए, तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने कंपनी के MD मिस्टर संजीव कुमार सर का, कि जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो बीमारियों को दूर करने का बीड़ा उठाया है और जो उनकी लगातार कोशिश चल रही है कि हम हिंदुस्तान से हर तरह की बीमारियों को दूर कर देंगे। तो मैं एक बार तहे दिल से अपने MD सर संजीव सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए जिससे आज वो बीमारियाँ सही हो रही हैं जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि आप ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है, वो बीमारियाँ।